जय महाकाल। रंगला पंजाब जे बनाउणा उहदे वास्ते सेहतमंद पंजाब पहलां चाहीदा। 96-97% लोक जिहड़े ने ओह महल्ला क्लिनिकां चों ठीक हो के घरे वापस चले जांदे ने। सरकारी हस्पतालां ते बर्डन बहुत घट गया। मोहल्ला क्लिनिक जिहड़ा बनिया होया उहदी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है। उत्थे सब तरह दीआं फैसिलिटीज दित्तीआं होईआं सरकार वल्लों। 2 हफ्ते तो खंघ ने बहुत परेशान कराया था जी। मैं पहला बार प्राइवेट दवाई लेंदा रहा, फिर इत्थे आके लती जी, टेस्ट फ्री होया, इत्थों मैं ठीक हो गया, हुण मैं ठीक हाँ बिल्कुल। शानदार मोहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्हां दी जिहड़ी दवाई लिखनी है वह कंप्यूटर 'च ऐड कर देंदे ने। जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है, टोटल पेपरलैस है। मान साहब ने बहुत वधिया उपराला कीता, वधिया काम करिया सरकार ने, गरीबां दा भला करता। पंजाबी च कहा जांदा है बाकी दे काम बाद च, पहला सेहत जरूरी है। सो असी जदों सहुं चुकी तां पहले ही साडा विजन इह सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचिया, और मैं कोई आसान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। महाकाल बाबा के सर दरबार में श्रावण मास शुक्ल पक्ष सोमवार के दिन भव्य भस्म आरती की गई है। बाबा महाकाल पे दूध दही घी से पंचामृतों से फलों के रसों से नाना प्रकार की औषधि से भगवान को स्नान कराया गया है। भगवान को विजया अर्पण की गई है। भगवान महाकाल के दरबार के अंदर सरसोप्रसाद पूजन की गई है। बाबा पे श्रृंगार किया गया है। हजारों भक्त प्रातःकाल से बाबा महाकाल के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। सोमवार का दिन है, भक्त लोगों की संख्या 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। चूँकि बाबा महाकाल का ऐसा दरबार है जो प्रातःकाल साल भस्म आरती की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान को भस्म अर्पण की जाती है। उसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आता है। सायंकाल यही बाबा महाकाल जो भस्म रमाते हैं, राजा के रूप में नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। आज तांडव उमा महेश और चंद्र मौलेश्वर के रूप में भक्त लोगों को दर्शन देंगे। जय महाकाल, जय महाकाल। महाकाल बाबा के सर दरबार में श्रावण मास शुक्ल पक्ष सोमवार के दिन भव्य भस्म आरती की गई है। बाबा महाकाल पे दूध दही घी से पंचामृतों से फलों के रसों से नाना प्रकार की औषधि से भगवान को स्नान कराया गया है। भगवान को विजया अर्पण की गई है। भगवान महाकाल के दरबार के अंदर सरसोप्रसाद पूजन की गई है। बाबा पे श्रृंगार किया गया है। हजारों भक्त प्रातःकाल से बाबा महाकाल के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। सोमवार का दिन है, भक्त लोगों की संख्या 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। चूँकि बाबा महाकाल का ऐसा दरबार है जो प्रातःकाल साल भस्म आरती की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान को भस्म अर्पण की जाती है। उसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आता है। सायंकाल यही बाबा महाकाल जो भस्म रमाते हैं, राजा के रूप में नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। आज तांडव उमा महेश और चंद्र मौलेश्वर के रूप में भक्त लोगों को दर्शन देंगे। जय महाकाल।